वो लोग युरीदून लियुतफी नूर अल्लाह, वो चाहते हैं कि अल्लाह की नूर को अपनी मुंह के फूंक से क्या करेंगे, फूंकों से क्या करेंगे, बुझा देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान सी धंधे चलाने के लिए इसके पीछे कोई राज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सियासी लीडरान के जेब भरना है, अपना धंधा चलाना है, यही उनका मतलब है। वरना ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ पर हर जात और पात मिलजुल कर रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान को तमाम मजाहिब के लोगों ने आजाद किया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर सोने के गौहर और इस सोने के मुल्क को, ये सोने की चिड़िया को क्या किया था, आजाद किया था, इसको क्या किया था, अंग्रेजों से मुक्त किया था। आज वही मुसलमान कहा जा रहा है ये चमन तुम्हारा नहीं हमारा है। जिस चमन के लिए, जिस मुल्क के लिए मुसलमानों ने खून दिया, आज उन्हीं मुसलमान को ये कहा जाता है ये मुल्क तुम्हारा नहीं हमारा है। ये कहाँ की बात है, ये कैसी बात है, ये कैसी पॉलिसी है, ये कैसी चाल है, बड़े अफसोस की बात है। मुअज्जज सामईन इकराम, गौर व फिक्र करने की बात है। आज एक औरत ने अपनी जबान से, अपना मुंह से जहर उगल दिया और पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान के आबहवा को गंदा कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ दिया। सोचने की बात है, ये हमारे हिंदुस्तान में ये हमारा बुनियादी हक है, यहाँ हर कोई अपना अपना धर्म बखूबी अंजाम दे सकता है, अपने धर्म को क्या कर सकता है, अपने धर्म पर अमल कर सकता है, इसमें किसी तरह की रोक टोक नहीं है। लेकिन आज मुसलमान हिंदुस्तान में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, दूसरी बड़ी आबादी है, इसलिए इसके पीछे साजिश रची जा रही है। लेकिन सुन ले वो लोग जो मुसलमानों के बारे में साजिश रचते हैं, मुसलमानों को रोदने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, कान खोल के सुन लीजिए, वो लोग भी रोदे जाएंगे, वो लोग भी क्या किए जाएंगे, वो लोग भी, उनको भी तकलीफ होगी, उन्हें भी दुश्वारियां पेश आएंगी। आज सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या करने के लिए, उससे तकलीफ पहुंचाने के लिए, उसे ईजा पहुंचाने के लिए आज एक पार्टी को क्या किया जा रहा है, जिताया जा रहा है, ताकि मुसलमानों को क्या करे, तकलीफ दे, मुसलमानों को रो दे। हम खाए या ना खाए, हम भूख में रहे, लेकिन मुसलमानों को रोदना है, ये हमारा मकसद है। मुल्क में तरक्की हो या ना हो, मुल्क भाड़ में जाए, मुल्क में तनजुली हो, मुल्क का जवाल हो, मगर मुसलमानों को रोदना है, उसको तकलीफ देना है, उसको उसकी मस्जिद को मुनहदिम करना है, उसकी मस्जिद को गिराना है, उसके धर्म को तकलीफ पहुंचाना है। हाँ, तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सोचने की बात है। आज पूरी दुनिया तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान दिन ब दिन
इनका जीडीपी हाल घटता जा रहा है, ये बहुत नीचे जा रहा है, चीज़ों की कीमत बढ़ रही है, कहतसाली हो रहा है, लोग भीख मांग रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, सब कल कारखाने बंद किए जा रहे हैं और लोग बेरोजगार होकर घर में बैठे हुए हैं। सोचने की बात है, नोटबंदी से पहले हमारी हालत कैसी थी, कितना अच्छा था, हरा भरा था एकदम, लोगों के जेबों में रुपया और पैसे भरे पड़े थे। नोटबंदी के बाद जब से निकम्मा सरकार आई, जब से ये सरकार आई, तब से मुल्क का हाल बिगड़ गया। एक पार्टी की चाहत है कि हम भूखे रहे, हम भीख मांगे, फिर भी हम क्या करेंगे, बीजेपी को जिताएंगे, ये उनका ख्याल है। लेकिन भाई ये कैसी बात है, ये कैसी पॉलिसी है कि हम भीख मांगे, हम रास्ते पे भीख मांगे, हम दस्त दराज करें और उनको क्या करें, बहुत ऊंची मंजिला में और ऊंची ऊंची कुर्सी पर विराजमान करके, कुर्सी पर बैठा कर वो पूरी दुनिया का सैर करेंगे, करोड़ों रुपया खर्च करेंगे और हम भीख मांगेंगे, ये कहाँ की पॉलिसी है। लीडरान के बच्चे, सियासतदान के बच्चे, नेताओं के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और हमारे बच्चे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे क्या होंगे, मूर्ख होंगे, हमारे बच्चे जाहिल होकर रह जाएंगे, ये कहाँ की पॉलिसी है, ये कैसा अंदाज है, बड़ी अफसोस की बात है। लिहाजा सोचने की बात है भाइयों, ये गंगा जहर जमनी तहजीब है, हम आपस में मिलजुल कर रहे, हम निकम्मा सरकार को जरूर गिराए, अगरचे वो क्या हो, जो भी हो, अगरचे वो मेरा भाई हो या मेरा अब्बा हो, जो भी हो, अगर वो आम के लिए तरक्की नहीं करते हैं, आम के लिए काम नहीं करते हैं, तो ऐसी सरकार को वोट देना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ख्याल हो कि नहीं, हम भूखे रहेंगे लेकिन उसको जिताना है, चूंकि एक धर्म वाले को क्या करेंगे, सताएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, ऐसा अगर ख्याल है तो बहुत ही बड़ी अफसोस की बात है। इसमें बहुत तनज्जुली होगी, एकदम बर्बाद हो जाएंगे और दलदल में फंस जाएंगे, कुछ तरक्की नहीं होगी, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, एडुकेटेड नहीं होंगे, हमारा हाल बहुत बुरा होगा और नेता लोग और लीडरन बहुत आगे बढ़ जाएंगे और हम जूते तले रोंदे जाएंगे। लिहाजा भाइयों, अभी भी वक्त है, चौकन्ना हो जाओ, अभी भी वक्त है, होशियार हो जाओ, बेदार हो जाओ और क्या करो, हम हक और बातिल को पहचाने, सच्चे और ईमानदार को पहचाने, झूठे को तर्क करे, झूठे को क्या करे, उसको दूर हटाए, ये हमारा ख्याल होना चाहिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, युरीदूना लितफियू नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफिरून। युरीदूना लितफियू नूरल्लाह, ओ लोग, युरीदूना लितफियू नूरल्लाह, वो चाहते हैं कि अल्लाह की नूर को अपनी मुंह के फूक से क्या करेंगे, फूकों से क्या करेंगे, बुझा देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है बुझाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रोशनी को, अपना नूर को पूरा करने वाले हैं, अपना नूर को इस्लाम को मुकम्मल करने, इस्लाम को पूरा करेंगे, पूरा किया है और इस्लाम की शाद
और इस्लाम की तशहीर होते रहेंगे। अगरचे कितनी ही इस्लाम के खिलाफ साजिशें की जाए, इस्लाम को बदनाम किया जाए, इस्लाम और आगे बढ़ते रहेंगे। अगरचे नूपुर शर्मा ने इस्लाम के ऊपर धब्बा लगाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दागदार करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद और ऊंचे होंगे और गैर मुस्लिम और हिंदू लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तहकीकात करेंगे, रिसर्च करेंगे और इस्लाम में दाखिल होंगे। लिहाजा आखिर में सामीन इकराम से मेरी दरख्वास्त है कि सही समझने की, हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की कोशिश करें। यहीं से मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।